सीडब्ल्यूसी की बैठक होनी है, क्या कुछ तय किया जाएगा इसमें? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एनडीए की जहां एक तरफ बैठकें चल रही हैं लगातार, 9 तारीख को प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी एक्टिव मोड में है और आज 11 बजे होटल अशोका में कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, जिसके अंदर पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी सांसद मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस बैठक में होगी, तमाम सीनियर लीडर्स इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यदि बता दें आपको आगे की रणनीति क्या रहेगी, और जिस प्रकार से जेपीसी की मांग कांग्रेस राहुल गांधी ने आज से ठीक 2 दिन पहले उठाई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए अपना पैसा कहा था, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर उस पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी कि पार्लियामेंट में वो मुद्दा उठाएंगे तो किस प्रकार से उठाएंगे, आगे की रणनीति क्या होगी। आपको बता दें कांग्रेस संसदीय दल का नेता भी आज की बैठक में चुना जाना है, तो देखना ये होगा कि आगे की रणनीति को बनाते हुए किस प्रकार से इंडिया गठबंधन में काम करना, क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी ने कल ही कह दिया था गोपाल राय ने कि लोकसभा चुनावों तक ही हमारा गठबंधन था, लेकिन अब आगे नहीं रहेगा। हाँ। तो देखना ये होगा कांग्रेस अपनी तरफ से ये भी समझाइए, क्योंकि लगातार बैठकें हर एक दल कर रहा है, समाजवादी पार्टी की बैठक होगी, कल आम आदमी पार्टी ने अपने पत्ते साफ कर दिए कि लोकसभा तक ही हम साथ में थे, अब विधानसभा चुनाव जो होगा उसके लिए हम अलग से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि हम आपका सहयोग नहीं चाहेंगे। इस बीच क्या ये भी सामने आ रहा है नेता प्रतिपक्ष जो होगा कांग्रेस का ही होगा, क्या इस पर एक सहमति हो गई है? दूसरी बात, ये कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा लोकसभा में काफी मायनों में अच्छा रहा था, तो किस आधार पर नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होगा? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको बताते हैं जिस प्रकार से चर्चाएं चल रही हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स का ज्यादातर मानना यही है कि नेता प्रतिपक्ष की आज जो बैठक होगी उसके अंदर बातचीत होगी और सब अपने अपना नाम का सुझाव करेंगे। जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी हुआ करते थे, लोगों का कहना है, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स का कहना है कि ये पद अब राहुल गांधी को मिलना चाहिए, लेकिन आपको बता दें तमाम तरीके की, यदि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है तो कहीं ना कहीं एक फुल ये पूरे दिन की एक जॉब हो जाती है कि आपको फुल टाइम जॉब हो जाती है कि आपको इसमें अपना पूरा देना है, लेकिन क्या राहुल गांधी इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं? तमाम कांग्रेस के पार्टी लीडर्स का कहना है कि राहुल गांधी का नाम होना चाहिए, लेकिन क्या राहुल गांधी से एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जब इसमें बैठकें होंगी, बातचीत होगी, तो सामने से सत्ताधारी पार्टी से पीएम मोदी, तय हो सकता है कि यदि नेता प्रतिपक्ष का जिक्र होगा या नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा वो कांग्रेस के खेमे से होगा। INDIA गठबंधन तो 28 दलों का यूं कह सकते हैं ना, तब दल मिलके ही तो INDIA बना है, तो जो पाले में जाएगा वो विपक्ष है, यानी नेता प्रतिपक्ष वो कांग्रेस के पाले में। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जब बात राहुल गांधी के नाम की आती है तो एक बात हो भले ही 28 दलों की, लेकिन कहीं ना कहीं सभी 28 दल समर्थन करते हुए नजर आते हैं, तो LOP की भी यही राय है, सभी गठबंधन दलों की भी यही राय है कि राहुल गांधी का नाम सभी नेता जो है, सीनियर पार्टी लीडर सभी सुझाव दे रहे हैं, लेकिन क्या अब ये पूरी तरीके से ये डिसीजन राहुल गांधी का रहेगा? जिस प्रकार से सुखबुगाहट है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है LOP के लिए, लेकिन क्या राहुल गांधी इस ऑफर का एक्सेप्ट करते हैं? उनका क्या कहना होगा? वो किसका नाम सुझाते हैं? यदि वो खुद नहीं बनना चाहेंगे तो आगे की रणनीति क्या होगी, उस पर पूरी तरीके से मंथन किया जाए। और क्या ये माना जाए इंडिया गठबंधन के सभी दल इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, CWC की बैठक कांग्रेस पार्टी की बैठक है, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स होंगे, ना कि इंडिया गठबंधन के। ये बैठक उनकी अपनी पर्सनल है, आगे की रणनीति को तय करने के लिए की जा रही है, आगे का किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी काम करेगी, इंडिया गठबंधन से जुड़ के कौन से वो मुद्दे होंगे जिन पर काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से डिक्लेयर कर दिया है कि अब वो आगे के जो चुनाव है अकेले ही विधानसभा चुनाव अपने ही दम पर लड़ेगी, गठबंधन में नहीं लड़ेगी, तो कांग्रेस पार्टी अपने आगे के लिए रूपरेखा तैयार करेगी कि आगे किस प्रकार से, पहले 52 सीटें हुआ करती थी, अब 99 सीटें हैं, तो नंबर बहुत ही अच्छा है रहेगा पार्लियामेंट में, लोकसभा में, तो किस प्रकार तो यानी गठबंधन कंचन यहीं तक सीमित था, आगे जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए खबरें आगे अभी और भी है, वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।